सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापन मामले में पतंजलि के को फाउंडर बाबा रामदेव और पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में पेश होने को कहा है। कंपनी और आचार्य बालकृष्ण ने नोटिस का जवाब दाखिल नहीं दिया, जिसकी वजह से यह आदेश जारी किया गया है। अब उन्हें अगली तारीख पर कोर्ट में पेश होना होगा। इसके अलावा जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने बाबा रामदेव को यह बताने के लिए भी नोटिस जारी किया है कि उनके खिलाफ अब अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। बता दें कि इससे पहले 27 फरवरी को हुई सुनवाई में कोर्ट ने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापनों पर रोक लगाई थी। इसके अलावा पतंजलि आयुर्वेद कंपनी और आचार्य बालकृष्ण को अवमानना कार्रवाई में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। विस्तार से आपको बताते हैं कि आखिर मामला क्या है। असल में सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से 17 अगस्त 2022 को दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें कहा गया कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार किया। रामदेव बाबा ने दावा किया था कि उनके प्रोडक्ट कोरोनल और स्वसारी से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। रामदेव ने खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा किया। इससे पहले हुई सुनवाई में आईएमए ने दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में प्रिंट मीडिया में जारी किए गए विज्ञापनों को कोर्ट के सामने पेश किया था। पतंजलि ने इन विज्ञापनों में मधुमेह और अस्थमा को पूरी तरह से ठीक करने का दावा किया था।